हेलो दोस्तों, मैं सर्कल के इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और यह हमारा वीडियो नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ ली हैं, हम अब उसके आगे को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, सबसे मेन चीजें। तो हमने पढ़ा था कि जो साइन ए है वो क्या है, 1/cosec है। और उसके बाद पढ़ा था, या इसको उल्टा कह सकते हैं, कॉसेक इधर साइन इधर, या कॉस ए जो है वो 1/sec ए के इक्वल होता है, ऐसे टेन ए जो है वो 1/cot ए के इक्वल होता है। ये सारी चीजें हमारी यूज होने वाली हैं। साइन में एक और, साथ में एक और चीज पढ़ी थी कि साइन ए अपॉन कॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, टेन ए आएगा। इसके साथ में कॉट ए का भी हमने पढ़ा था, कॉट ए जो होता है टेन का रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या होगा, कॉट ए होगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि बेसिक चीज क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ वैल्यूज निकाल रहे हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमें कुछ एंगल्स पे इनकी वैल्यू हमने क्या किया, राइट ट्रायंगल में रख के चेक की। जैसे मैंने 30 डिग्री का ही राइट ट्रायंगल बना दिया, तो उसमें साइड्स का रेशियो करके उस 30 डिग्री वाले के लिए कुछ वैल्यू निकाली, तो देखा कि वो वैल्यू कितनी आ रही थी। तो उस टेबल को देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इस टेबल को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा कैसे आपको ये लर्न करनी है। एंगल इधर की ओर ले लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी फिलहाल 90 डिग्री तक कर रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक लेवल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में हम इसी को 180, 270, 360, पूरा 360 तक मैं कराऊंगा आपको, पूरी इस बोर्ड में बनाया हुआ आपको मैं दिखाऊंगा, व्हाइट बोर्ड में बनाऊंगा जब आपको 360 का, तो आप समझ जाएंगे कैसे। तो यहाँ साइन का देखते हैं, तो देखना कैसे है ये एंगल। जब साइन 0 डिग्री हमने निकाला, देखना पढ़ना कैसे है, साइन 0 डिग्री तो 1/2 के इक्वल आया, ठीक है। ऐसे साइन 30 डिग्री वो 1/√2 के इक्वल, साइन 45 डिग्री ये आया आपका, साइन 0 डिग्री 0 आया, साइन 30 डिग्री 1/2 आया, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये वैल्यूज आई साइन की, याद करना कैसे, साइन 45 डिग्री पूछे तो साइन 45 1/√2 होता है, आप याद रखिए। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये निकाल रखे हैं, ऐसे नहीं आए हैं, ऐसा नहीं कि हमने 0 ये लिख दिया सिर्फ नॉर्मल तरीके से। हमने ये ट्राइंगल पे, राइट ट्राइंगल एंगल पे 30 डिग्री लेकर सॉल्व किया, और उसके बाद हमें ये वैल्यूज हमें मिली। तो साइन 0 डिग्री के लिए पूरा क्वेश्चन किया, साइन 30 डिग्री के लिए किया, साइन 45 डिग्री के लिए, साइन 60 के लिए, और साइन 90, तब ये वैल्यूज निकली। ऐसे कॉस के लिए भी किया, तो कॉस के लिए करने पर क्या आया, कॉस के लिए किया तो क्या आया, 1 आया कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री 3/2 आया, कॉस 45 1/√2 आया, कॉस 60 1/2 आया, और कॉस 90 0 डिग्री आया। तो इस तरह से कॉस के लिए आया, ठीक है। हम सारे करेंगे फिलहाल, हाँ। तो देखिए, मैंने ये कैमरे को थोड़ा अच्छे सेट कर लिया है ताकि नीचे आपको ये कॉर्ड तक दिख जाए सारे, ठीक है। अब जरा देखिए इसको बताते हैं एक बार। जब हमने ये बनाए तो हमने उसका एनालाइज किया कि हम इस टेबल को लर्न कैसे करेंगे, हम क्या इतनी सारी वैल्यूज हर बार इतने बड़े बड़े फॉर्मूले करके करेंगे क्या। तो हमने देखा कि जो कह रहा था, साइन वाली टेबल सीधे ऐसे चल रही थी, अगर हम ये टेबल लर्न कर लें ये लाइन, तो कॉस में देखिए क्या हो रहा था, उल्टा चल रहा था, 1 यहाँ आ रहा था, √3/2 यहाँ आ रहा था, 1/√2, 1/2, 0, यानी ये लाइन ऐसे दिख ली हमने एक बार। इसको अगर उल्टा करके लिख दें तो ये कॉस के सारे एंगल्स दिखा रहा था, तो ये साइन कॉस पे हमने यहाँ पर क्या देखा, सिमिलरिटी देखी, ऐसे बाँक के ऊपर भी सिमिलरिटी देखी उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको लर्न करने की एक मेथड बना दी, जैसे साइन के अगर हमें लर्न है तो हम बाकी पूरी टेबल बना सकते हैं। कैसे, कॉस पे हम इस टेबल को उल्टा करके लिख लेंगे, लिख दिया। टेन पे क्या होगा, देखिए टेन क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टेन होता है आपका ये रहा साइन अपॉन कॉस, अगर करेंगे तो टेन आएगा। अगर मैं टेन 0 डिग्री निकालना चाहूं तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टेन आ जाएगा, यानी टेन कैसे आएगा, 0/1 करेंगे तो 0/1 को 0 लिख सकते हैं तो 0 आ जाएगा। टेन 30 कैसे आएगा, ये अपॉन ये करेंगे 1/2/√3/2 करेंगे, करके देखिए 1/2/√3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा। तो हम यहाँ 1/√3 साइन 10 30 की वैल्यू साइन कॉस की हेल्प से निकाल रहे हैं,
करेंगे तो डिवाइड करेंगे, वन आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू करेंगे तो टू से टू कैंसिल, रूट थ्री बाई वन आएगा, जिसे हम रूट थ्री लिख सकते हैं। उसके बाद टेन 90 डिग्री अगर करेंगे तो वन अपॉइंट जीरो आएगा। वन अपॉइंट जीरो हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो नहीं हो सकता। अब अगर आपको वन अपॉइंट जीरो दिखाई देगा तो इसको आप एक तो लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, क्योंकि ऐसा नंबर अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है हमने, या आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्यों कह सकते हैं, जैसे जीरो है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है, और जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटिव, यानी ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, हो सकता है वन मिलियन, टू मिलियन, या हो सकता है कि जितनी हमें काउंटिंग सीखी है उसके आगे आता हो, तो इसलिए इसको इन्फिनिटी भी लिखा जाता है कहीं पर। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर नॉट डिफाइन वाला होगा, ठीक है, लेकिन हम इन्फिनिटी लिखेंगे शॉर्ट में। तो हम कहेंगे कि वन पॉइंट जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तीन आ गए आपको, बाकी तीन तो खुद आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, ये देखिए, साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक होता था साइन का उल्टा, ऐसे कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तीनों के उल्टे करेंगे तो आगे तीन आ जाएंगे। टेन कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा मतलब जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो वन अपॉन जीरो होगा, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। यानी जीरो का जो रेसिप्रोकल है वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का जीरो होता है, ये अब हमें लर्न कर लेना है इस टेबल के लिए, ठीक है। बाकी ये जो मैंने समझाया, ये आप अगर कहीं पर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं साइड। तो हम कह रहे हैं कि जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होगा। कैसे होगा, समझा दिया, जीरो को जीरो अपॉन वन कहते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो को इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन मैंने अभी समझाया आपको, आप नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ इन्फिनिटी लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसका मतलब जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा। वन बाई टू का टू बाई वन होगा, टू बाई वन को टू लिख सकते हैं, वन बाई रूट टू को रूट टू बाई वन रूट टू लिख सकते हैं, यहाँ टू बाई रूट थ्री उल्टा हो जाएगा। वन का रेसिप्रोकल, वन को तो वन ही लिखते हैं ना, वन को वन अपॉन वन लिखते हैं, रेसिप्रोकल करोगे वो भी वन अपॉन वन, यानी वन का रेसिप्रोकल वन ही होता है। आगे बढ़ेंगे, कॉस सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल वन, इसका रेसिप्रोकल टू बाई रूट थ्री, इसका रेसिप्रोकल रूट टू बाई वन, और इसका टू बाई वन टू ही आएगा। जीरो का रेसिप्रोकल फिर से इन्फिनिटी, आप समझ गए होंगे मैंने समझाया था। आगे बढ़ते हैं कॉट पर, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, रूट थ्री बाई वन होगा, जिसको रूट थ्री लिख सकते हैं, वन का तो वन ही रेसिप्रोकल रहता है, रूट थ्री को रूट थ्री बाई वन कहते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तो वन बाई रूट थ्री, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, जीरो का इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का जीरो होगा। इस तरह से आप टेबल लर्न कर सकते हैं, किस तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बैंक के एग्जाम में तो ये टेबल से ही न्यूमेरिकल बन के आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, एसएससी में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो और बाकी आप जानते हैं टीचर के एग्जाम में एलटी केवी के जो हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, पीआरटी, हर जगह पर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं। आपको मैं लास्ट में हर एग्जाम से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल अगर आपको नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप सब ये टेबल बना लीजिए, पॉज करके स्क्रीन शॉट खींच लीजिए या टेबल बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम इससे न्यूमेरिकल करेंगे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हमारे चैनल पे, चैनल का जो ये इनिशिएट हमने जो किया है इसके लिए, कि चैनल से हम आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑनलाइन ही पढ़ाते रहे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी बेसिक से हायर तक का, हर एक चीज जो आपको ट्यूशन में पढ़ाई जाती है वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूँ इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक इसमें सारे क्वेश्चन बेसिक ही हैं, बस आपको टेबल लगानी चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये इसकी वैल्यू फाइंड करो कहेगा हमसे, हमें वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना है, 5 है cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू जो होती है आप देखते होंगे सेकेंड टेबल पे फोर्थ वाला, तो वो होती है कितनी, 1 बाई रूट टू, ठीक है, टेबल में आप देख लीजिए आपने बनाई होगी, तो कहा 1 बाई टू, cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाई टू, ना कि 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू 50 पे 45 पे होती है, तो स्क्वायर का रहता है, यानी इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2 होती है, तो इसका स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखिए मेरे को कैसे आ रहे हैं ये इस तरह से, तो अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, जल जाएंगी, ये होती है 1 बाई टू साइन 30 का स्क्वायर है, cos 30 रूट 3 बाई टू इसका स्क्वायर है। अब आगे देखिए,
मल्टीप्लाई ये कितना आएगा, साथ में कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 जगह 1 का स्क्वायर, 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4, 4 जा 16, ठीक है 16। उसके बाद यहाँ पर sec 30 की वैल्यू हमने गलती की है, तो ये 2/√3 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4, 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4। अब आगे बढ़ेंगे, इसे करेंगे सॉल्व, ऊपर एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन 1 है तो 4 3 12 एलसीएम आएगा, 3 5 15 464 माइनस 12 अपॉन, नीचे भी एलसीएम लेंगे 4 तो 1 प्लस 3 4 आएगा, बाकी आगे सॉल्व करेंगे आप 69 में से 12 करेंगे 67 आएगा अपॉन 12 अपॉन में 4 अपॉन 4 जो कैंसिल हो जाएगा बन जा और बचेगा 67/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का 67/12। तो आप समझ गए हैं हमें सिर्फ इस क्वेश्चन पे क्या करना है, वैल्यूज याद होनी चाहिए, हमें टेबल आती है अगर बनानी तो हम लोग वहां पर तुरंत कर लेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो डायरेक्ट याद होगा, ठीक है। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज 2 tan 30 degree अपॉन 1 minus tan square 30 degree, ये हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू रखनी है हमें सिर्फ tan 30 आना चाहिए, tan 30 आपको याद होगा 1/√3 होता था, 1 minus tan 30 का स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर होगा, आगे सॉल्व करेंगे ऊपर 2 into 1/√3 2 1 जाए 2/√3 लिख सकते हैं अपॉन 1 minus 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है, बाकी देखिए किस तरह से कर रहे हैं, ऊपर 2/√3 है अपॉन यहाँ 3 एलसीएम तो 3 minus 1 इट मीन्स 2/√3 अपॉन 2/3, बाद में क्या होगा ये सबसे ऊपर आएगा ये यहाँ आएगा तो 2/√3 या कह सकते हैं कि ये डिवाइड में है पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 3/√3, 3 को कह सकते हैं हम √3 into √3 कह सकते हैं और √3 एक है तो 1 से 1 कैंसिल तो आंसर आएगा √3 आंसर, समझ में आ गया आपको, तो √3 हमारा आंसर आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो और भी बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं लंबे, तो देखिए अभी हम लोग जब बेसिक लेवल कंप्लीट करके थोड़ा हायर लेवल पे जाने लगेंगे एडवांस लेवल पर, तो आप वहां पर देखेंगे कि आपको मैं बताऊंगा कि 2 tan theta थीटा ऐसा है, ये अगर इसको थीटा ले लूं मैं 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, इसका एक फॉर्मूला होता है 10 to theta, यानी क्या आएगा 10 2 into 30 10 60 degree आएगा, 10 60 degree की वैल्यू √3 होती है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें पहले बेसिक लेवल से सीखना है, अगर हमें फॉर्मूला वहां पे नहीं आया या ऐसे क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला हो ही ना तो कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इस तरह से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, नॉर्मल सिंपल मेथड से कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे वैसे मैंने नोट किया नहीं है कोई, तो बाद में हम लोग वैसे भी जब हमारा ये बेसिक लेवल कंप्लीट होगा तो हम लोग काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उस समय मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने क्या करने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पिछला वीडियो जरूर देखिए अगर स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीजें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।